नमस्कार, इंडिया तक राजदीप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विस्तार से, जो कि गुंजन सिंह का ऑडियो एक वायरल हो रहा है। आप सबको बता दें कि गुंजन सिंह का जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि उसमें शूटर से बात करते हुए मगहिया जवान को मारने की साजिश रचा जा रहा है। आप सुन सकते हैं, बहुत ही तेजी से ये वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम जारी है और हर जगह हर तरीके से आवाज उठाया जा रहा है। इसमें तेजी से वायरल मगहिया जवान है, जो कि हर दिन गुंजन सिंह को टारगेट करते हुए दिखता है, जो कि उसका गाना है ट्रैक्टर भतार मांगे ली, जो भी गाना है वो अश्लीलता है। और 3 साल पहले वो गाना रिलीज हुआ था वेब म्यूजिक से, जो कि आपको बता दें कि अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनका रिक्वेस्ट है कि ये गाना को डिलीट किया जाए। अगर नहीं डिलीट किया जाएगा तो मैं इस पे एक्शन लूंगा, इसके ऊपर मैं गाना गाऊंगा, मगहिया जवान का कहना है। इसके लिए गुंजन सिंह किसी से बात करते हुए, उसमें पता चल रहा है कि गुंजन सिंह उसमें बात कर रहे हैं और कोई फ्रेंड से बात कर रहे हैं या शूटर से बात कर रहे हैं, उसमें मारने की साजिश रचने की बात कही जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं और सुनाते हैं आपको किस तरह से कोई भी सिंगर को इस तरह कदम उठाना चाहिए या नहीं। डिस्टर्ब करके रख दिया है, मतलब आदमी काम करे कि वो दो कौड़ी के आदमी जिसका कोई वजूद नहीं है, वो आदमी क्या से क्या बोल रहा है, क्या मतलब है। हम लोग यही सोच रहे हैं, हम मान ला कि गाड़ी तो मोदी के दे रहा है आदमी, गाड़ी सबके दे रहा, तो हम लोग भी अगर वैसा करेंगे भाई जी, तो लोग यही सोचेगा कि इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। वही ना करो भैया, कि वो आपके सामने क्या चीज है, वो अभी जलम का खड़े हुए हैं और इतना बात बोल रहा है, उसको तो लग रहा है घर घुस के जान मार दे। होता अगर व्यवस्था होता जैसन कर रहा है वैसन उसका, और तुम लोग है ये हो सब देखिए ना, जो आप लाइव में आकर नहीं बोले थे कि यार भाई तुम लोग समझा दो, तो फिर दोबारा लाइव आया था और बोला था कि गुंजन सिंह जी मतलब कि गुंडा पाल रखे हैं, उसी को कहते हैं अरे पगला, दोनों का दिन सही में पुर गया भैया, उसको तो मरना है चाहे भागे का गांव छोड़ के अपना। वो अरे गया में है ही नहीं, वो हैदराबाद भैया अलग है। हाँ जी, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होता है उससे। गया में सारे लोग, सारे विधायक वहाँ के जीतन राम मांझी से लेके सारे लोग के पास ये खबर हम कर दिया है, सब लोग उसको खोज रहा है। हाँ जी भैया, एक बार बिहार आके दिखाए और अब पता चल जाएगा कि यहाँ पावर क्या होता है, और जिस प्रकार से बातें कर रहा है वो तुम लोग भी सुनिए रहे हो, तो क्या भैया कौन खोल रहा है उसका सपोर्ट है भैया, हम लोग एक मिनट भी नहीं रहेंगे उसका सपोर्ट में, हम लोग पूरे गांव वासी जितना भी है ना भैया उसके सपोर्ट में, एक बंदा भी नहीं है, सारे के सारे आफी के सपोर्ट में है। वही ना बात है, तो इतना आदमी जो साथ में है तो एक बार आए खरे बिहार में, अगर सरकारी मारना खोज रहा है सरकारी मार। हाँ भैया सही है कहे भाई, क्या करवा डिस्टर्ब करता है लोग, देखा भी अयोध्या में शूटिंग कर रहे हैं। हाँ देखे भैया, अभी एक घंटा पहले अपने फोटो डाले थे ना, देखे फेसबुक पर। अब इस लोग को क्या है, कोई काम तो है नहीं, सोच रहा है गुंजन सिंह के बारे में बोल के अपना नाम कमा ले। वही बात है, 2000-4000 फॉलोवर बढ़ा रहा है, 2000-4000 लाइक सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, यही बात है और क्या। और उसको ये पता नहीं है कि चाहने वाले कितने हैं। हाँ भैया सही के, पूरे देश विदेश में आपको चाहने वाले हैं। लोग सब पगला रहा है, इधर आ गया तो मरा जाएगा, गाड़े में गोली लोग को मारना पड़ेगा। अपना काम करूँ या उधर ध्यान दो, एक बार बोल देंगे तो उसका फिर बुरा नाम होने लगेगा, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं नहीं भैया, दोबारा आप लोग लाइव आइएगा ही नहीं, लाइव आकर आप लोग जो बोलते हैं तो फॉलोवर उसका बढ़ जाता है 1000-2000, दोबारा लाइव आने का जरूरत ही नहीं, उसका कमेंट सिर्फ पढ़िए कि कितना गाली उसको लिखा जा रहा है। ठीक भाई, ठीक ठीक, बढ़िया तरह दो लोग ठीक ना। ठीक भैया, प्रणाम, अपना भी ख्याल रखिए। ठीक भाई भाई, ठीक भाई। क्योंकि अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उसको मारने की साजिश रची जा रही है, उचित नहीं है, क्योंकि सिंगर का काम है सिंगिंग करना, उसको शूटर बुला करके मरवाने के काम नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों कि हर जगह अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठ रहा है, और पहले क्यों नहीं उठा, बहुत सारे आदमी का सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं उठा, पहले ये चीज नहीं था, पहले प्लेटफॉर्म नहीं था इसके लिए आवाज नहीं उठ रहा था, और पहले विकास नहीं था, धीरे धीरे विकास हो रहा है, इसी दौर में उसको उठाया जा रहा है। और अभी जो मामला चल रहा है, अभी जो मामला है वो अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चल रहा है, तो हर जगह से हर सिंगर भी सपोर्ट कर रहे हैं, हर गांव वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आवाज उठ रहा है। पहले ये सुविधा नहीं था, पहले इतना विकास नहीं था, पहले हर चीज ये नहीं था, तो आवाज कैसे उठता, गांव समाज में हर चीज विकास
नहीं होता, तो इसलिए अभी सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास प्लेटफॉर्म है, सभी अपना अपना प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। 3 साल पहले की बात बता दे दोस्तों कि कोई आवाज उठाने के लिए किसी के पास बजट नहीं है, तो किसी के पास कुछ नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता था पहले। और पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था, नेटवर्क नहीं था, मोबाइल भी था तो उसमें वीडियो नहीं बनता था। तो अभी का जो युग है उसमें वीडियो भी बनता है और प्लेटफॉर्म है और यहां से वायरल होने का तरीका है। पहले किसी को जानकारी ये चीज नहीं था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि जो भी गाना गाता था वो अपना पैसा बजट डाल के गाना गाता था और जो भी गाता था उसके लिए कोई किसी के पास टाइम नहीं होता था, इसके लिए ये सब चलता रहा। आज के डेट में जो भी हो रहा है अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो सभी के पास बजट भी है, सभी के पास मोबाइल भी है और सभी के पास अक्ल भी है, क्योंकि अक्ल पहले किसी के पास नहीं था, उतना अक्ल नहीं था जितना अभी हुआ है, क्योंकि एक दूसरे को देख करके सब लोग प्लेटफॉर्म चालू किया है और सब लोग आवाज उठा रहे हैं। तो आपको बता दे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। बता दे दोस्तों कि सभी को वायरल होना है, इसी दौरान में आपको पूरी वीडियो में दिखाता हूं जो कि किस तरह से वायरल होना है, क्योंकि वायरल होने का तरीका सभी के पास है और वायरल कैसे होना है सभी को पास है और सभी को शौक है वायरल होना, तो वायरल सभी को होना है, अपने अपने तरीके से होना है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मगहिया जवान सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है। सबसे ज़्यादा वायरल इसलिए हुआ है कि वो सिर्फ मुद्दा उसका यही है कि अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ पीछे का जो बैक वीडियो जाइएगा उनके पास, तो बहुत सारा वीडियो बनाया है लेकिन आज तक हम लोग के पास नहीं आया था वीडियो और हम लोग नहीं देख पाए थे मगैया जवान को। जब हम लोग जाने हैं तो करीबन ये एक हफ्ते, दो महीना, एक महीना, डेढ़ महीना पहले से मैं जानता हूँ उनको, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई किसी को जानता नहीं था, क्योंकि अश्लीलता के खिलाफ एक आदमी आवाज़ उठाया, दूसरा आदमी आवाज़ उठाया, तीसरा आदमी आवाज़ उठाया, तो इसी दौरान में जिसको पास जितना टैलेंट है उतना आवाज़ उठा रहे हैं। और कौन नहीं चाहता है कि वायरल होना, हर कोई चाहता है वायरल होना और हर कोई चाहता है कि अब मेरा प्लेटफॉर्म हो और हर कोई चाहता है मैं काम करूं। तो इसी दौरान में सभी लोग काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं और इसी दौरान सभी को हाईलाइट होना है, किसी को मीडिया वाला बन के हाईलाइट होना है, किसी को सिंगर बन के हाईलाइट होना है, किसी को गाली सुन के हाईलाइट होना है, तो इसी दौरान में सभी लोग अपने अपने तरीके से हाईलाइट हो रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो जैसा करेगा वैसा तो पाएगा ही, जो जैसा करेगा वैसा उसको पाना है, क्योंकि अश्लीलता, हम आपको बोलूँगा कि अश्लीलता मत फैलाइए, अश्लीलता के जरिए गाली दे करके किसी के नहीं हाईलाइट होना है, सिर्फ आपको अच्छा काम करके हाईलाइट होना है। अच्छा काम करिए, अच्छे लेवल से काम करिए।